आज का ये सुंदर मंगल प्रभात हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों के जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। यह भी तो हो सकता है आज का ये सुंदर मंगल प्रभात इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे के कल्याणकारी मंगलमय जीवन यात्रा के लिए हमारी सभी की ओर से इस दिव्य स्थान से, इस पवित्र स्थान से शुभकामनाएं प्रार्थते हैं। महामृत्यु महामृत विश्वविद्यालय, महामृत्यु महामृत यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द स्कूल इज स्कूल ऑफ स्पिरिचुअल साइंस, आत्मिक विज्ञान की पाठशाला, इसके साथ संबंधित विषय नवरात्रि का रहस्य, नवरात्रि का संदेश, आद्य शक्ति की आराधना, पराशक्ति के रहस्य, इस अंतर्गत विषय पर जो बात चल रही है, इसमें माता जी का स्वरूप जो चित्रात्मक रूप में प्रकट किया गया है या मूर्ति के रूप में जिसे प्रकट किया गया है, इसमें कुछ रूप ऐसे है जिसे हम कह सकते हैं कि उसका अगर ठीक से, उसकी समझ ठीक से आपके पास हो तो आपकी दर्शन की क्षमता बढ़ती जाएगी और जो समझ है मूर्तियों से, जो संदेश है वो भी आप प्राप्त कर सकते हो, ऐसा मेरा मानना है। इसमें कालिका के साथ दो बात प्रकट होती है, एक समय के साथ इसका संबंध है, एक जो संदेश है कालिका की मूर्ति या चित्र से, उसमें जो एक काला रंग, एक रंग से प्रकट की गई है बात, और जो रंग से प्रकट की गई है कि उसका काला रंग है, वो अंतर्गत यात्रा की संदेश है कि अगर महाकाल को प्राप्त करना है, महाकाल का अर्थ है जहां मन समाप्त हो गया, समय का संबंध है जो वो मन से है, जब मन पूरा विसर्जित हो जाता है, न कुछ पाने को रहा न कुछ खोने का डर रहा, जो पूरा भय है हमारे जीवन का, पूरा भय, उसका मूल केंद्र हम कहें तो वो है मन, पूरा जो संचय, सूक्ष्म संचय है, विचार भी सूक्ष्म संचय है और कुछ भी नहीं, एक सूक्ष्म भावना है हमारे भीतर संचय की, ये भावना भी प्राकृतिगत रूप में होती है कि हम भीतर से यात्रा करते 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 इस तरह से धारणा में बंध जाते हैं कि कुछ संचय चाहिए जीवन जीने के लिए, अगर संचय नहीं होगा तो मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा
और ये एक अर्थ में सच बात है, क्योंकि शरीर स्वयं संचय है, भोजन का शरीर संचय है। और जब तक हम पूरी जागृत अवस्था को नहीं समझ पाते या उसको प्राप्त नहीं कर सकते या उस स्थिति में नहीं आ सकते, तब तक ये भय रहता ही है, क्योंकि मन का अस्तित्व रहता है और मन स्वयंभू मैकेनिज्म है एक हमारे जीवन को चलाने के लिए, या हमारा जो अस्तित्व है वो बना रहता है उसके कारण अपने आप ये घटना होती रहती है। लेकिन एक ऐसा जीवन है कि जहां मन समाप्त हो जाता है फिर भी जीवन वहीं का वहीं रहता है और महाजीवन प्रकट हो जाता है, क्योंकि धारणा में जब तक हम संकुचित है तब तक जीवन के ऐसे अनूठे रहस्य है जो हमारे हाथ में नहीं आते, हम डर के कारण उस रहस्यों में उतरना टालते हैं कि कहीं हम समाप्त हो जाएंगे। तो यह भी अगर ठीक से देखा जाए, कोई भी भय अगर ठीक से देखा जाए तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम देखने वाले हो, तुम भय नहीं, तुम देखने वाले हो, तुम चिंता नहीं, चिंता की तरंग कुछ और है। लेकिन हम इतने जुड़ जाते हैं तरंगों के साथ कि हमें लगता है कि ये मैं स्वयं हूं, भय मैं हूं, भय तुम नहीं। जब भी तुम भय वाली कोई स्थिति आ जाए या चिंता वाली कोई परिस्थिति आ जाए, तुम थोड़ा समय निकालकर उसका दर्शन करने का प्रयत्न करो कि किस तरह से काम करती है ये तरंगे। जिस तरह से शारीरिक तल में कोई पीड़ा होती है तो हम उसे देख सकते हैं, और जितना तुम्हारा अंतर बनता जाता है शरीर के साथ, तुम पीड़ा को पूरा देख सकते हो, पीड़ा की संवेदना को पूरा देख सकते हो कि कहां से वो प्रकट होती है, किस तरह से समाप्त होती है, फिर से प्रकट होती है, फिर से समाप्त होती है। इस तरह की जो संवेदनाएं बहती है पीड़ा की, और हम देख सकते, इसी तरह से हम भय को देख सकते हैं। तो भय की जो तरंगे है उससे अगर हम परिचय बनाना शुरू करें, उसका दर्शन अगर हम शुरू करें, तो हमें पता चलता है कि ना, मैं देखने वाला हूं, मैं भय नहीं। और भय जो है वो मन का केंद्र है, संचय का जो केंद्र है वो है भय, भय के कारण संचय। जब भय विलीन हो जाता है तब संचय का कोई मतलब ही न रहा, और जब मन समाप्त हो जाता है, विचार की श्रृंखला समाप्त हो जाती है, तब हमारे और अस्तित्व के बीच का जो पर्दा है वो पूरा मिट जाता है। उसे समय की भाषा में जिसने जाना उसने अकाल कहा, ये समय की ओर से देखा गया। आत्मा की प्राप्ति या परम शक्ति को जानना, पराशक्ति को जानना, आद्य शक्ति को जानना, अगर समय की दिशा से हम बात करें तो वो है अकाल, जहां कुछ अलग न रहा, जहां भूतकाल भी मिट गया और भविष्यकाल भी मिट गया। जहां पर हम है, जिस क्षण में हम है, बस काफी है। ये जो काफी नहीं लगता, परिपूर्णता नहीं लगती हमें, कि जहां पर हम है जीवन में, देखो तुम कि जिस क्षण में हो उसमें तुम भीतर से तृप्त हो, ये प्रश्न है पूछना है हमें कि हम तृप्त है भीतर से। अगर तृप्त है तो तृप्ति मन का स्वभाव नहीं, तृप्ति मन का लक्षण ही नहीं। तुम जैसे तृप्त हुए, संतोष में आए तुम, जो भी परिस्थिति है, जो भी व्यक्ति हमारे साथ रहती है, उसके बीच जैसे भी हम है, जो कुछ भी है, उसमें अगर हम परिपूर्णता का अनुभव करते हैं, तृप्ति का अनुभव करते हैं, तो तुम आत्मवान, तो तुम्हारा आत्मा प्रकट होना शुरू हो गया, आत्मा की तरंग तुम्हें छूने लगी। एक क्षण के लिए भी अगर तुम संतोष का अनुभव करते हो कि ठीक है, जहां है जैसे है, कोई मांग नहीं बनती भीतर से, कोई मांग के नहीं, कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए, कोई मांग नहीं, न फरियाद। जब तुम आंख बंद करते हो और भीतर देखते हो, विस्तार का अनुभव करो, या तुम देखो कि न कोई मांग उठी, न कोई फरियाद उठी, और एक परिपूर्णता का अनुभव, एक शांति का अनुभव, तो आत्मा प्रकट होने लगा भीतर से, भीतर की जो स्पेस है उसकी तरंग है वो तुम्हें छूने लगी। और अगर फरियाद उठे, यही देखते जाना है, रोज यही देखते जाना है। साधना जो है तुम करते जाओ, साधना को समझते जाओ, साधना की गहराई में उतरते जाओ, तुम्हें इस पर ध्यान देते रहना है,
कितनी फरियाद बनी रहती है अभी व्यक्तियों के साथ, परिस्थितियों के साथ। अगर फरियाद है तो है, तो मन है उसका, मन का जो क्षेत्र है उसमें हम काम कर रहे हैं। अभी हमारा संबंध है मन के क्षेत्र के साथ, अभी हमारा संबंध रहता है। जैसे 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 भीतर की आंख दर्शन की क्षमता को प्राप्त करने लगती है, अंदर की यात्रा प्रारंभ होने लगती है, अंदर की जो शक्ति है जिसे कहते हैं हम काली शक्ति, जिसने जाना इस तरह से उसे व्याख्यात किया, क्योंकि ये काल के साथ संबंधित भी शक्ति है और अंदर के जगत की यात्रा की शक्ति है। जो काली माता की मूर्ति है वो अंदर के जगत की जो यात्रा है उसकी शक्ति, उसकी प्रेरणा है। इसे मूर्ति में कंडारा गया या चित्र में उसे काला रंग दिया गया। अगर हम रंग की दृष्टि से देखें, कभी आपने ये प्रयोग किया हो कि कालिका की मूर्ति हो कोई मंदिर में, ऐसे मंदिर अब बहुत खंडित हो गए, फिर भी कई कई जगह ऐसे मूर्तियां है कालिका की मूर्तियां जो पूरा काला रंग होता है, उसका रंग पूरा काला, या उसकी खाली जीभ बाहर निकाली है वो लाल रंग की होती है, या राक्षसों के जो चेहरे उसने उसकी माला बनाई है, राक्षसों के चेहरे काट के उसकी माला पहनी हुई है, उसके जो जीभ के रंग होते हैं वो खाली लाल होते हैं, बाकी पूरी मूर्ति काली है। उसका अगर आप ध्यान करो पहली खुली आंख से, जो मूर्ति मूर्ति संबंधित ध्यान था वो इस तरह से था, तुम मूर्ति के सामने बैठ जाओ जिसके साथ तुम्हारा संबंध है, जो तुम्हें प्यारी लगती हो मूर्ति, कोई भी मूर्ति जो तुम्हें अच्छी लगती हो, जो तुम हृदय से प्रेम करते हो, जिस प्रेम मूर्ति से, यह भी विकासमान है, यह भी प्रक्रिया विकासमान है। यह प्रक्रिया अगर ठीक से तुम समझने लगो, आराधना है एक प्रकार की, दर्शन की शक्ति को बढ़ाने के लिए एक प्रक्रिया है कि मूर्ति के आगे बैठ के पहले तुम उसका दर्शन करो, दर्शन करो, दर्शन करते रहो, करते रहो, करते रहो। प्रारंभ में इस तरह से किया जाता है कि जिस मूर्ति से तुम्हारा संबंध है, समझ लो तुम कृष्ण की मूर्ति से प्रेम करते हो तो कृष्ण की मूर्ति, तुम शंकर की मूर्ति से प्रेम करते हो तो शंकर की मूर्ति, तुम महावीर की मूर्ति, महावीर से प्रेम करते हो महावीर की मूर्ति, जिसकी मूर्ति तुम चुनना चाहो, ये तुम्हारी अपनी स्वतंत्रता है कि तुम किससे तुम्हारा लगाव है। लेकिन एक मूर्ति का मैं ध्यान बताता हूं, तुम मूर्ति के आगे बैठ जाओ, उसका दर्शन करते रहो, करते रहो, खुली आंख से उसको देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, फिर आंखों को बंद कर दो। जब तुम आंख को बंद कर दोगे तो भी वो दृश्य बनता अंदर बनेगा, वो रहेगा, तुम्हारी आंख के सामने रहेगा। मूर्ति का विज्ञान जो दिया गया वो इस तरह से है, ध्यान की प्रक्रिया में वो इस तरह से सहायभूत होता है कि तुम मूर्ति देखते हो, मूर्ति स्थिर है, उसको तुम देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ, फिर तुम आंख बंद कर लेते हो तो मूर्ति चलती नहीं। मूर्ति स्थिर है तो तुम्हारे भीतर स्थिरता का दर्शन शुरू होता है, तुम्हारी आंख भीतर स्थिरता का दर्शन करती है, मूर्ति का दर्शन करती है, वो स्थिर है तो तुम्हारे मन के बीच, विचारों की श्रृंखला के बीच गैप बनता है अपने आप दर्शन के कारण। जो मूर्ति का दर्शन तुमने किया उसके कारण जो विचार की प्रक्रिया होती है, विचार की श्रृंखला होती है, वो टूट जाती है, क्योंकि तुम स्थिरता का दर्शन करते हो। मन चलित है, मन स्थिर नहीं रह सकता। अगर मन स्थिर रह सके तो आत्मिक शक्ति प्रकट हो जाती है, यह आत्मा की शक्ति है जो विचार में प्रकट होती है, वो आत्मा की शक्ति है। जैसे वो स्थिर हो जाती है कि वो आत्मिक शक्ति हो जाती है, आत्मिक शक्ति के रूप में प्रकट होती है। अगर वो चलित रहती है तो विचारों के रूप में प्रकट होती है। तो मूर्ति का विज्ञान ये था कि मूर्ति के सामने तुम बैठो, बैठो, दर्शन करते रहो, खुली आंख से पहले दर्शन करो, प्रक्रिया ये है, खुली आंख से दर्शन करो जिस मूर्ति से तुम प्रेम करते हो, और फिर आंख को बंद कर दो। आंख को बंद कर दोगे तो जो दृश्य तुमने देखा वही आंख पकड़े हुए है, अभी भीतर के पर्दे पर वही छाप है, तो मूर्ति का दर्शन भीतर जो बनेगा वो विचार की श्रृंखला को तोड़ देगा, ये विज्ञान है। और कालिका की मूर्ति, कालिका की मूर्ति का काला रंग देने का ये कारण है कि ये दर्शन की प्रक्रिया के साथ इसका संबंध है कि तुम मूर्ति देखो, मूर्ति का आकार भी है कि इसमें तो काली की मूर्ति का आकार भी है कि वो उसके हाथ में त्रिशूल हो, खड़ग हो, इस तरह से पूरी मूर्ति कंडारी हुई है, पत्थर से कंडारी हुई, या
कोई धातु से बनाई हुई हो, लेकिन पत्थर की मूर्ति जो होती है उसमें काला रंग का जो प्रभाव है, उसका जो विज्ञान है वो ऐसा विज्ञान है कि उसमें आकृति है, तुम जब बंद करते हो तो काला रंग हमारे भीतर जो अंधेरा स्वरूप प्रकाश है, काला काले रूप में प्रकाश है, अंधकार का प्रकाश है, सूक्ष्म प्रकाश है, इस तरह से इसे कहा जाता है, आत्मिक प्रकाश जो बहुत सूक्ष्म रूप में होता है। इस प्रकाश को ये जो मूर्ति का रंग होता है वो गहराई देता है कि मूर्ति का जो दर्शन है तुमने किया, ध्यान की प्रक्रिया इस तरह से की कि पहले तुमने कालिका का दर्शन किया, काली की मूर्ति का दर्शन करते रहे करते रहे करते रहे, फिर तुमने आंख बंद कर दी, तो उस मूर्ति का जो काला रंग है वो भीतर का जो प्रकाश का दर्शन है, जो प्रारंभ में हमें लगता है कि अंधकार है, उसे और गहराई देता है, और गहराई तुम्हें और गहरे में ले जाता है, और गहरे। और ठीक से इस प्रक्रिया को किया जाए कि काली की मूर्ति का पूरा दर्शन करते रहो, पूरा काला रंग है उसका आप दर्शन करते रहो करते रहो, और फिर आंख को बंद कर दो तो आप ज्यादा गहन शांति का अनुभव कर सकते हो। ये काले पर्दे के आगे भी ये प्रक्रिया की जा सकती है कि तुम्हारी आंखों के सामने, प्रक्रिया ये थी कि तुम्हारे आंखों के सामने काला पर्दा रखा जाए, और एक पुरानी प्रक्रिया है त्राटक की, आंखों को स्थिर कर दो, तुम आंखों की जो पुतली है उसको स्थिर कर दो, पूरी खोल के स्थिर कर दो आंख की पुतली, काला रंग देखते रहो देखते रहो देखते रहो देखते रहो। जब तुम बाहर आंख खोल के भी तुम ये प्रक्रिया करते हो, बहुत से विचार विलीन हो जाते हैं, या तो तुम्हें पता चलता है कि ये सारे विचार चल रहे हैं मेरे भीतर, खुली आंख से तुम अनुभव कर सकते हो कि मैं स्वप्न में खोया हुआ था। ये काले पर्दे के आगे भी ये प्रक्रिया की जा सकती हो। इसमें से प्रकट हुई कालिका की मूर्ति कि इस तरह से अगर इस मूर्ति को काला रंग दिया जाए तो वो सहायभूत हो सकती है, अंतर्गत यात्रा के लिए मदद मिल सकती है इस मूर्ति से। तो रंग की दृष्टि से अगर हम देखें तो जो काला रंग है मूर्ति का वो और कुछ भी नहीं, ये भीतर का जो सूक्ष्म प्रकाश है वो मूर्ति में दिखाया गया है कि जो महाकाल को जिसे छूना है, समझना है, जिसे परम शक्ति की ओर जाना है, जिसे आद्य शक्ति को समझना है, तो उसे प्रविष्ट करना पड़ेगा अपने साम्राज्य में, अपने द्वार खोलने पड़ेंगे। और जब हम हमारे भीतर के पहले बार हम प्रविष्ट होंगे हम हमारे क्षेत्र में, तो अंधकार स्वरूपी प्रकाश हमें छुएगा, यह अंधकार नहीं है, तुम इससे परिचय बनाना शुरू करो। अगर तुम्हें लगता है कि यह अंधकार है और तुम वापिस आ जाते हो, तुम वापिस मत आओ, जितनी तुम्हारी क्षमता है अंधकार को देखने की भी, जितनी क्षमता है तुम्हारी, तुम अंधकार की प्रगाढ़ता को देखने का शुरू करो। भीतर यह आत्मिक प्रकाश है, और जैसे जैसे तुम देखते जाओगे तुम्हारी देखने की क्षमता बढ़ेगी, और जैसे जैसे देखने की क्षमता बढ़ेगी तुम्हारी अपने आप ऊर्ध्वगामी गति शुरू हो जाएगी, जिसका संबंध है परमात्मा की शक्ति से, जिसका संबंध है पराशक्ति से, आद्य शक्ति से। अब ये यात्रा में बाधा क्या है? अंतर्गामी जो हमारी यात्रा है, जो कालिका की मूर्ति दर्शाती है कि महाकाल को प्राप्त करना है, महाकाल का अर्थ है मोक्ष। महाकाल का अगर दूसरा हम नाम ले तो वो है मोक्ष। भद्रकाल का अर्थ है पवित्र समय, जहां सर्व दुख मिट गए, जहां सर्व संताप मिट गए, तो उसे कहा जाता है भद्रकाल। अब कोई दुख न रहा, न फरियाद, न चिंता, न भय, सब कुछ मिट गया, उसे कहा जाता है भद्रकाल या महाकाल। और जब हम साधना करते हैं या उसकी यात्रा करते हैं तो ये महाकाल प्राप्त करने की दिशा में हम बढ़ रहे हैं आगे, या भद्रकाल को प्राप्त करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसका अर्थ मोक्ष ही होता है, पूर्ण मुक्ति। महाकाल का अर्थ है पूर्ण मुक्ति की प्राप्ति, कि पूरा इस क्षेत्र में हम प्रविष्ट हो गए जहां दुख की तरंग अब हमें छू नहीं सकती, या पीड़ा अब हमें छू नहीं सकती, ये नाम है खाली, तो इसका अर्थ समझ लेना है। अब बात यह आती है कि तकलीफ क्या है? भद्रकाल अगर हमें प्राप्त करना है, मुक्ति अगर हमें चाहिए, तो कौन रोकता है हमें? अगर मोक्ष हमें चाहिए, अगर मेरी इच्छा हो गई कि मुझे मोक्ष चाहिए, तो मुझे क्यों नहीं मिलता मोक्ष? मुझे अगर
ऐसी इच्छा होती है कि बस अब मुझे मोक्ष चाहिए, या मुझे मुक्ति चाहिए, या मुझे परम गति चाहिए, परम मुक्ति चाहिए, मुझे जीवन का परम स्वाद चाहिए। परम मुक्ति का स्वाद अगर जीवन में चाहिए मनुष्य को, तो रोकता कौन है? वृत्ति क्यों रोकती है? चलो, वृत्ति रोकती है। क्यों रोकती है? क्योंकि अभी तक हमने जो शक्ति दी है हमारी अज्ञानता के कारण, वो हमने पुष्टता बढ़ाई है, उसकी शक्ति को बढ़ाया है। कि जब जब हमारे भीतर क्रोध आया तो हमने समझा नहीं क्रोध को, कि क्रोध क्या शक्ति है, उसको नहीं जाना। हम क्रोध की तरंगों में डूब गए, बह गए। जब भी काम वासना ने हमें घेरा तो हमने समझा नहीं ये क्या है। काम वासना मैं नहीं हूं, मैं देखने वाला हूं, लेकिन काम वासना अगर मुझे खींच गई तो मेरी शक्ति उसके साथ बह गई, जहां मुझे जानना था, जहां मुझे समझना था, दर्शन करना था वृत्तियों का, उसमें मैं बह गया। तो बह जाने का अर्थ है हम पुष्ट करते हैं, वृत्तियों को पुष्ट करते हैं। तो जहां जहां हम वृत्तियों को पुष्ट करते हैं वहां मन प्रभावित हो जाता है, मन भी पुष्ट हो जाता है, तो विचार की तरंगें पुष्ट हो जाती, उसकी शक्ति ज्यादा हो जाती है दर्शन की शक्ति से। इस पर आधारित है कि तुम्हारे भीतर दर्शन की क्षमता ज्यादा है या विचार की क्षमता ज्यादा है। अगर विचार की क्षमता ज्यादा होगी तो कल्पना है, विचार अनेक प्रकार के कल्पनाएं पैदा हो जाएगी। भय की तरंग एक ही होती है, किस तरह से काम चलता है भीतर यह समझने जैसा है। शरीर की संवेदना का अर्थ गठन होता है हमारे भीतर। जब तुम भोजन के ऊपर काम करते हो, काम करते जाओगे, उसको समझते जाओगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि बहुत से ऐसे पदार्थ है कि तुम खाते हो, जैसे कि तिखा तम 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 मरी मसाला वाला भोजन है, तुम लेते हो और वो जो तरंग पैदा होती है भीतर, शरीर की तरंग पैदा होती है, वो चिंता की तरंग बढ़ा देती है। अगर भाव के रूप में उसे देखा जाए तो वो चिंता और भय की तरंग बढ़ाती है। उसका कारण इतना ही है कि चिंता और भय उत्तेजना है, तुम्हारे भीतर उत्तेजना बढ़ जाती है, या काम वासना की इच्छा बढ़ जाती है, तो इसका और कुछ कारण नहीं, उत्तेजना बढ़ाती है भोजन के तरंग है शारीरिक रूप में। तो भाव भी ऐसे पैदा करते, उत्तेजनात्मक भाव पैदा करते, उसके साथ उत्तेजना पैदा होती है। लेकिन जैसे जैसे तुम समझते जाते हो, समझते जाते उसका दर्शन करना शुरू करते हो कि तुम्हें भीतर भय की तरंग आई, या चिंता की तरंग आई, या गुस्सा की तरंग आई, कुछ बढ़ी शक्ति तुम्हारे भीतर जब बढ़ती है तो हम उसका अर्थ गठन करते हैं कि अब मेरे भीतर गुस्सा आ रहा है। तुम्हें पता चलता है कि अब गुस्सा आ रहा है, तुम्हें पता चलता है अब मेरे भीतर काम वासना प्रकट हो रही है, तुम्हें पता चलता है कि अब मेरे भीतर लोभ जग रहा है, लोभ की तरंग तुम्हें पता चल सकती, तुम्हें पता चल सकता है। अगर ठीक से तुम्हारा अभ्यास करते जाओ तो पता चलता है कि हाँ, अब ईर्ष्या शुरू हुई मेरे भीतर, अब तिरस्कार शुरू हुआ, अब क्रोध शुरू हुआ। इस प्रकार के जो भाव है उसको शरीर की संवेदना के साथ संबंध है, कि शरीर की एक खास प्रकार की संवेदना में ही तुम्हें चिंता होती है। वो शरीर की संवेदना जब चली जाती है तो चिंता भी चली जाती है, वो भाव मिट जाता है। तुम चिंता के साथ रहना शुरू करो, जब तुम्हारे भीतर ऊब जगती है, ऊब, तो उसका इतना ही कारण है कि तुम्हारा पेट ठीक नहीं है। पेट, ये जो सारे नकारात्मक भाव है उसका केंद्र पेट की स्थिति है, कि कहीं कुछ ब्लॉक है, भीतर की जो रिदम है आंत की दबकने की, वो कहीं ब्लॉक है, बंद हो गई, कहीं बंद हो गई संवेदना, कहीं ब्लॉकेज है। संवेदना की जो शक्ति है वो जब ब्लॉक होती है, बंद होती है, तो शक्ति तो रोकी नहीं जा सकती, वो तो प्रकट होती है। एक बार शक्ति प्रकट हो गई, हो ही गई, या तो उसे रूपांतर करना पड़ता है, या तो वो प्रकट होती है, किसी भी रूप में वो प्रकट हो जाती है। अब हमारा जो जीने का ढंग है वो इस तरह से ढंग है हमारा, कि हमने आज तक जब तक हमने जागना नहीं समझा, ठीक से उस पर काम नहीं किया, जागृति पर जब तक तुमने ठीक से काम नहीं किया, तब तक जो पुष्टि मिलती है भीतर वो विचार की तरंगों को मिलती है, कि विचार पुष्ट हो जाते हैं। अब तुम्हारे भीतर समझो कि एक शारीरिक रूप में एक उत्तेजना की तरंग पैदा होती है, शारीरिक रूप में तुम्हारे पेट में, पेट के क्षेत्र में तुमने समझ लो कि एक तिक्खा तम 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 कुछ खा लिया, और बराबर नाभि के पास से एक तीव्रता वाली एक तरंग पैदा होती है, वो शारीरिक तरंग है। जैसे वो तरंग पैदा होती है तुम्हारे भीतर,
नाभि के क्षेत्र में यह तरंग पैदा होती है कि उसका सीधा असर आता है हृदय क्षेत्र पर तुरंत। हृदय और नाभि अलग नहीं है, बाहर से हमें लगता है कि हृदय और नाभि के बीच तो अंतर है, लेकिन यह तुरंत हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी है। जैसे तुम स्विच चालू करते हो तो ऐसा नहीं होता है कि तुम स्विच चालू करो फिर 5 मिनट बाद बल्ब होता है, तुमने स्विच चालू की कि बल्ब हुआ। इसी तरह से पेट में जब ऐसी उत्तेजनात्मक तरंग पैदा होती है, नाभि के क्षेत्र के पास जब उत्तेजनात्मक तरंग पैदा होती है तो उसका तुरंत असर आता है हृदय चक्र पर। यह जब असर आता है इसके साथ तुरंत भाव जगता है, उत्तेजनात्मक भाव। समझ लो जैसी तुम्हारी शरीर की स्थिति, अगर उत्तेजनात्मक तरंग है तुम्हारे भीतर तो तुम्हारे भीतर का भाव शांत नहीं हो सकता। समझना शुरू करो शरीर को, भाव को, विचारों का संबंध, कि जब उत्तेजनात्मक तरंग जगी शरीर की तो उसके साथ भाव भी उत्तेजनात्मक होता है। उत्तेजनात्मक भाव के साथ ये सारा, इसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे कि भय की स्थिति भी, भय की तरंग है। समझ लो इसका अगर अर्थघटन भय के रूप में मन ने किया तो जितनी तुम्हारे भीतर भय की जितनी कल्पना है वो तुम्हारे आंख के सामने आनी शुरू हो जाएगी। जब तुम्हारे भीतर कोई भय वाली स्थिति आ जाती है तो अनेक प्रकार के जो भय के विचार है तुम्हारे भीतर संग्रहित विचार है, संचय किए हुए विचार है, सारी विचार की श्रृंखला वो बाहर आ जाती है, वो आगे आ जाती है। अनेक विचार चल रहे उसमें से जो भय वाले विचार है वो ऊपर आ जाते हैं तो तुम्हें अनेक प्रकार की कल्पनाएं आती है कि ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, तो इसका और कोई कारण नहीं। ये खाली हमने जहां पर हमने दर्शन गंवाया, जिस क्षण हमने दर्शन को गंवाया हमारे भीतर और हमने पुष्टि दी विचार को, शक्ति दी विचार को, तो मन हावी हो गया। तो फिर जब भी शक्ति हमारे भीतर प्रकट होती है उसके उसके लिए दो दिशा है, या तो दर्शन की शक्ति की ओर जाए, अंतर्मुख जो जगत है उसकी ओर चली जाए, या तो विचार की ओर जाए। तो हमने जिस तरह से जीवन को जिया है उस तरह से यह शक्ति काम करेगी। कि अगर पुराना जीवन हमने ऐसे जिया है कि जहां वृत्तियों को हमने प्रोत्साहन दिया है, जब भी क्रोध आया हमने क्रोध ही किया, जब भी काम वासना उठी हम काम वासना में चले गए, जब भी तिरस्कार आया हमने झगड़ा ही किया, जब भी ईर्ष्या जगी हमने दूसरे का बुरा करने का प्रयत्न ही किया कि किस तरह से इसका मिटाया जा सकता है, इस व्यक्ति को किस तरह से हैरान किया जा सकता है। ऐसी वृत्ति से अगर हमने काम किया है तो तुरंत मन प्रभावित होगा, तुरंत, क्योंकि तुमने शक्ति अभी तक उसे ही दी है, तुमने जाना नहीं है मन को कि ये तो मन की शक्ति है जो हमारे पास से काम लेती है। तो हमें जो बाधा डालती है दर्शन की जो क्षमता, आद्य शक्ति हम जिसे कहते हैं, उसके साथ संपर्क बनाने में जो बाधा डालती है वो हमारी स्वयं की वृत्ति, अपनी वृत्ति जिसे अभी तक हमने जाना नहीं, वो वृत्ति काम करती है। राक्षस कोई बार नहीं, पुरानी जितनी भी मूर्तियां आप देखोगे, आप नटराज की मूर्ति देखो, उसके पैर देखो, तो जो उसका राइट पैर है, दाहिना पैर है, उसके नीचे एक ऐसा ही सींग वाला गणपति, तो बहुत प्यारा लगता था, मुझे तो लगता ही नहीं, वो तो प्यारा प्यारा राक्षस है। लेकिन जो पैर के नीचे कुचला हुआ है, अगर कहीं भी तुम ऐसी मूर्ति देखो कि कुचला हुआ है, कोई पनौती बाहर से नहीं आती। मैं जब छोटा था तब ऐसी मैं बातें सुनता था नटराज की मूर्ति में, मैं पूछूं कि ये क्या है, पूछूं, मुझे तो ऐसा लगे ऐसा बच्चा जैसा, ऐसा इतना छोटा है, इसके ऊपर भगवान नृत्य कर रहे, इतनी हिंसा की, ऐसी ऐसा नृत्य की जो एक बच्चा पड़ा है नीचे। फिर मुझे देखा तो छोटी छोटी सींग भी थी, अच्छा ये राक्षस का बच्चा है, तू भी इस तरह से होता है, क्या अर्थ है इसका, राक्षस का बच्चा फिर भी इस तरह से भगवान नृत्य कर रहे हैं उसके ऊपर। लेकिन ये बात मुझे स्पष्ट हो गई कि बच्चा दिखाया गया, छोटा। इस तरह से वृत्ति हमारे भीतर काम करती है कि पहले छोटी तरंग पैदा होती है क्रोध की, क्योंकि हमारा लड़ायक भीतर से स्वभाव है, इसलिए खड़ग दिया गया हाथ में कि काटो उसे। जब तुम्हारे भीतर क्रोध का राक्षस जगे, ये खाली ढंग है
कहने का, बोलने का, चित्र के रूप में प्रकट करने का ढंग है कि किस तरह से हमें काम करना है जीवन में, किस तरह से काम करना है। ये मूर्ति का संदेश है या आकार का संदेश है कि इस तरह से काम करना है। काटो उसे, उस राक्षस को भीतर काटो जो तुम्हें हैरान करता हो। पहले समझो कि कौन सा राक्षस है जो तुम्हें हैरान करता है। राक्षस तो एक ही, वो उसका प्रकट होने का ढंग अलग होता है। कभी वो भय के रूप में आता है, डराता है हमें। जब हम हमारे भीतर से भय तिरोहित हो जाता है, फिर भी कोई भूत कोई भी रूप लेकर हमारे सामने आ जाए, हमें डर नहीं लगता, मित्रता हो जाती है भूत के साथ। आओ बैठो, हम कह सकते हैं सोफा में जगह भी देते हैं कि आओ हम भी बैठे, तुम भी बैठो। भूत तो आत्मा है, उसे बैठने के लिए सोफा नहीं चाहिए, वो तो अधर बैठता है। वो कहता है मुझे बैठने के लिए तुम्हारा सोफा नहीं चाहिए, मुझे अलग सोफा है। लेकिन जब भय तिरोहित हो जाता है तो भय के साथ जुड़ी हुई जितनी भी भीतर के आकार है, भीतर के विचार है, वो समाप्ति हो जाते। ये सारे भय हमारे भीतर है। किस तरह से राक्षस पैदा होता है? चिंता के रूप में पैदा होता है, भय के रूप में पैदा होता है, काम वासना के रूप में पैदा होता है और सताता है, हमें सताता है। इसलिए मारने का और कोई कारण नहीं है, उसे काटने का क्या कारण है? कि वो हमें सता रहा है, कुछ हमारे भीतर है। अगर वो तुम्हें नहीं सता रहा है तो तुम्हारा राक्षस उड़ गया, उड़ा दिया तुमने, पूरा काट दिया, अब वो नहीं जन्म लेगा। कालिका की मूर्ति में ऐसा एक रूप है उसका कि उसके एक हाथ में राक्षस का माथा है काटा हुआ, उसके गले में से लहू के बूंद बह रहे। कालिका के एक हाथ, दूसरे हाथ में एक पात्र है कि उसका एक बूंद भी अगर जमीन पर गिरेगा, ऐसी कथा है, तो राक्षस और राक्षस पैदा हो जाएगा, फिर मारेगी उसे, फिर एक बूंद अगर गिरा तो फिर राक्षस पैदा हो जाएगा। यह कथा का भाग है। इससे क्या संदेश है? इससे संदेश है तुम काम जब ठीक से लोगे अपने साथ, तुम्हें पता चलेगा वृत्तियों के साथ तुम काम लोगे, तुमने थोड़ा सा भी छोड़ा उसे समझने का, थोड़ा सा भी छोड़ा कि आज मेरे भीतर अगर ईर्ष्या जगी किसी के लिए, मेरे भीतर ईर्ष्या जगी, मैंने अपने भीतर न जाना, मैंने आंख आड़ा कान कर दिया कि चलो मैंने उसे ठीक से न जाना, मैंने और पर टाल दिया कि एक है ही ऐसा, कर ही ऐसा रहे, भीतर से ईर्ष्या है मेरे भीतर कि समझ लो चका बापा या उज्जवल अच्छा गाते हैं, और मेरे भीतर से अगर ईर्ष्या जगी, जगती है, क्योंकि यह हमारी पुरानी यात्रा है, प्रतिस्पर्धा है। आज तक जब तक हम नहीं जागते तब तक हमारी जो यात्रा है जीवन की, वो स्पर्धा के रूप में होती है, स्पर्धा के रूप में हमें देखते कि इसे ये मिला, उसे वो मिला, इसको इतना रुपया मिल गया, इसका बंगला भी हो गया, इसकी गाड़ी भी आ गई, इसको अच्छी पत्नी मिल गई, अच्छा पति मिल गया, अच्छे बच्चे पढ़ रहे, अच्छे स्कूल में पढ़ रहे, उसकी प्रोग्रेस हो रही है, वो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले रहे, मेरा बच्चा है पढ़ नहीं रहा है, उसका धंधा चल नहीं रहा है, उसे अच्छी लड़की नहीं, स्पर्धा है बाहर की, इसके साथ ईर्ष्या काम करती। तो हम ईर्ष्या को नहीं समझते, हम बाहर पर टाल देते कि ये व्यक्ति है ही ऐसा। समझना था हमें हमारे भीतर, क्योंकि हैरान बाहर वाला नहीं करता, हैरान जो करता है वो हमारे भीतर का राक्षस कर रहा है हैरान हमें। बाहर कोई राक्षस नहीं है, बाहर कोई कुछ नहीं कर सकता हमें, कोई कुछ हमारा बिगाड़ नहीं सकता जब तक हम न चाहे। बिगाड़ने वाले हम है, हमारा जीवन अगर बिगाड़ने वाला कोई है तो हम स्वयं। सबसे बड़ा दुश्मन अगर बैठा है तो वो है हमारे भीतर वृत्ति, हमारी वृत्ति जो हमें समझनी कि इस तरह से हमारे भीतर ईर्ष्या जगती है, ये देखना है। हर एक इंसिडेंस पूरे दिन का पूरा उपयोग करना है, पूरे दिन का पूरा छोटा मोटा हर एक इंसिडेंस बनाओ। इसलिए तो मैं तुम्हें विश्वविद्यालय का रूप दे रहा हूं, पढ़ने के लिए, जीवन को समझने के लिए, कि हमारी किताबी पूरा जीवन, पूरा दिन ऐसा समझो, पूरा दिन, पूरे दिन के हर एक छोटे मोटे इंसिडेंट्स बनाओ, उस पर काम करते जाना है। क्योंकि जैसे जैसे तुम काम करते जाओगे, अपने को समझते जाओगे, हाँ इस तरह से मेरे भीतर ईर्ष्या जगती है, क्रोध जगता है, काम वासना जगती है मेरे भीतर, जगती है वो तो ठीक है,
ये हैरान करती है हमें, बहुत रूप से हैरान करती है, चैन नहीं लेने देती हमें, हम सुख प्राप्त नहीं कर सकते जीवन में, शांति से जीवन को जी नहीं सकते, जीवन का स्वाद नहीं ले सकते, अशांति बढ़ती जा रही है, अशांति बढ़ती जा रही है जीवन में। वो अशांति बढ़ाने वाला कोई बाहर नहीं बैठा, वो अशांति जो बढ़ रही है वो हमारी ना समझी के कारण बढ़ रही है, कि हमें हमारे भीतर की जो ये राक्षसी वृत्ति है, कि पहले तो हमें हैरान करती है, अगर मुझे किसी और व्यक्ति का खराब करना है तो पहले मुझे पहला अंदर मेरा सबसे पहला मैं अपना खराब करूंगा, अगर समझ लो मुझे किसी और का कांटा काटना है, निकालना है, उसके ऊपर काम करना है कि उसको मुझे किसी भी तरह से हैरान करना है। वे कोई भी हैरान, एक व्यक्ति दूसरे को हैरान करता है, वो ऐसे ही नहीं करता, वो अंदर से बहुत हैरान, बहुत हैरान, इतनी हैरानी की शक्ति है कि वो झेल नहीं पाता, उसकी तरंगे अंदर रह नहीं सकती, तो वो तरंगे कर्मों के द्वारा बाहर निकलती, वो किसी और को हैरान करने का शुरू करता है। लेकिन अगर हम ठीक से अपने को समझते जाए, अपने को समझते, तो औरों को हैरान करने का कोई अर्थ ही नहीं। समझ लो कि मुझे एक व्यक्ति से ईर्ष्या होती है, एक जगह पर मैं रहता हूं और मुझे एक व्यक्ति से ईर्ष्या होती है, अब मैं उसे या तो मिटा देता हूं या निकाल देता हूं, ये तो मैंने बाहर से किया, उस व्यक्ति को मैंने निकाल दिया, या मैं उससे भागता फिरता रहा, तो मेरे भीतर जो ईर्ष्या की तरंग है वो अभी नष्ट नहीं हुई, और ये एक व्यक्ति अगर निकल जाएगा, मैंने उसे निकाल दिया, दूसरी व्यक्ति आ गई, मेरी ईर्ष्या उसके साथ शुरू हो जाएगी। देखो तुम अगर एक परिस्थिति में रहते हो, वहां कुछ बात ऐसी है जहां से तुम उब जाते हो, अच्छा नहीं लगता, तुम्हें मजा नहीं आता, तुम जगह बदल देते हो, तुमने पार न किया, तुमने समझा नहीं, अगर ठीक से अपने को शुद्ध न किया, पूरी जो प्रक्रिया है वो है शुद्धि की, कि भीतर अगर हम शरीर को पूरा एक्टिवेट कर दे, शरीर को पूरा ऑक्सीजनेटेड कर दे, शरीर की जितनी क्षमता है उसका पूरा अगर तुम उपयोग करोगे, पूरा उपयोग करोगे, तो शुद्ध हो जाएगा शरीर, भीतर से शुद्ध, हल्का फुल्का, शुद्ध होने की निशानी शरीर हल्का फुल्का, लगे ही नहीं, पता ही नहीं चल के शरीर है कि नहीं है, इतना हल्का फुल्का हो गया शरीर, तो मन भी हल्का फुल्का, वृत्ति विलीन हो गई। लेकिन शरीर बारे वर्ख, हम बिना कुछ समझे हमने सारा कचरा पेट में डाला है, अस्त व्यस्त तरंग, भीतर का सब वातावरण अस्त व्यस्त, तो तरंग भी ऐसी, भीतर से तरंग भी ऐसी जगती, तो कहीं हम उब गए तो उसका इतना ही कारण है, भीतर अशुद्धि बढ़ गई, वातावरण में अशुद्धि हो न हो ये गौण बात है, लेकिन हमारे भीतर जितनी शुद्धि करनी चाहिए, जितना हमें हल्का फुल्का होना चाहिए, उतना हम न हुए, हल्के फुल्के न हुए, फिर हम दूसरी जगह चले गए, लेकिन तुम्हारे भीतर का वातावरण तो वही का वही है, तुमने अभी पूरा जाना नहीं है भीतर को, भीतर की तरंगों को पूरा साफ किया नहीं, तो तुम कहीं भी जाओगे अर्थघटन तो भीतर है, बाहर कितना ही अच्छा है, पृथ्वी कितनी, पृथ्वी हर जगह सुंदर है, हमारा देखने का दृष्टिकोण, कि दृष्टिकोण बदला कि नहीं, भीतर से देखने की जो क्षमता है हमारी वो विधायात्मक है, अगर तो तुम कहीं भी चले जाओ, कहीं भी तुम्हें डाला जाए, हंसा मोती ही चुन लेगा, इस तरह से तुम मोती ही चुन लेगा, उसमें से भी तुम समझ प्राप्त कर लोगे, दर्शन की क्षमता और बढ़ा लोगे, विधायात्मक रूप में ही काम करते जाओगे तुम, अगर तुमने अपना अपने को शुद्ध किया है, और अगर तुम टालते रहे औरों को ऊपर कि ये है ये मुझे हैरान करता है ये मुझे ये, तो तुम्हारी क्षमता जीवन जीने के साथ 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 तुम और डल होते जाओगे, डल होते जाओगे, विक होते जाओगे, ऐसा समझो तुम। अगर तुमने अपने ऊपर काम करना शुरू किया, और धर्म अपने ऊपर काम करने की बात है, धर्म है स्वभाव को जानना समझना, वृत्ति है उसे जानना समझना, क्यों जानना है वृत्ति को, वृत्ति को इसलिए जानना है कि वो हमें हैरान करती है, वो चैन से जीने नहीं देती, इसलिए समझनी है ये तरंगे कौन सी ऐसी तरंग है कि जो हमें ठीक से जीने नहीं देती, उसे ठीक से समझना है, उस राक्षस को, उसे अगर तुम राक्षस कहना चाहो, वैसे तो राक्षस का भी ये शब्द का अर्थ गठन ठीक नहीं, राक्षस का अर्थ है रक्षा करने वाला,
लेकिन हमने इस तरह से ले लिया। यह रक्षा के साथ संबंधित था कि जो एक समय में रक्षा करने वाला था उसका देखाव ऐसा था कि जिसने रक्षा करने के लिए रखे है दरवान या रक्षक जो है उसका ऐसा देखाव था एक समय में कि अगर कोई आ रहा है, चोर है, लुटेरा है, हत्यारा आ रहा है, तो उससे डर जाएगा। उसका डरावना, उसका शरीर, कद, पोशाक इस तरह से दिए जाते। तो जो डराने वाला था वो राक्षस के साथ जोड़ दिया गया। उसको नाम दे दिया हमने राक्षस के, जो डराने वाला है वो राक्षस। सच में ऐसा नहीं, सच में है रक्षा करने वाला है वो राक्षस। कि एक समय ऐसा था कि इस तरह के जो रक्षा करने वाले थे, एक राजा रहता है, उसकी रक्षा करने वाले जो रक्षक थे उसको देखाओ इस तरह से दिया जाता था। वो बड़ी बड़ी मूछ रखते हो एकदम, कि खाली उसे देखते लाल लाल आंख हो उसकी, तो उसके पास उसका खाली देखा भी डरा देता है, उसके पास जाने का कोई हिम्मत नहीं करता। तो फिर वो शब्द जुड़ गया, जो डराने वाला है उसे राक्षस कह दिया गया कि ये राक्षस है। हकीकत में राक्षस का अर्थ है रक्षा करने वाला, लेकिन ये शब्द जुड़ गया भय के कारण, जो हमें डराता है वो राक्षस। तो जो हमें संताप पैदा करता है वो हमारे भीतर है, बाहर नहीं। बाहर का तो हम बहुत सुंदर उपयोग कर सकते हैं इस तरह से कि एक व्यक्ति है, समझ लो कि मुझे उससे ईर्ष्या हो रही है और मैं अपनी शुद्धि पर काम कर रहा हूं कि मुझे शुद्ध करना है, भीतर से अपने को शुद्ध करना है, पूरा शुद्ध करना है। वो व्यक्ति जो है उसका दर्शन करते ही मुझे पता चलेगा कि अब मेरे भीतर ईर्ष्या है वह साफ हो गई। जो संघ का उपयोग करना है धर्म में, हमें इस तरह से करना है, यह खोना नहीं है। धर्म संघ को कभी खोना नहीं है। तुम जहां भी जाओ, जहां ठहरो और अपने को समझ रहे हो कोई संघ के साथ रहकर, दो रास्ते हैं, या तुम अकेले हो सकते हो, पूरे अकेले हो जाओ अपने को जानने के लिए कि नहीं संघ की मुझे जरूरत नहीं, ये तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारी अपनी निजी पसंदगी है कि किस तरह से तुम्हें रहना है, ये रहने के ढंग है, साधना के ढंग है। कि कोई अकेला हो जाता है कि ना मुझे कोई नहीं चाहिए, संग अकेला जो भी होगा मैं अकेला, अब मुझे कोई नहीं चाहिए, असंग कोई संग नहीं मेरा, क्योंकि ऐसे ही जीवन की यात्रा है, कोई नहीं चलता साथ में, न मित्र, न पत्नी, न पति, कोई साथ में नहीं चलता, जीवन अकेली यात्रा है, पूरी यात्रा। ये बीच के पड़ाव में हम यात्री और जीवन के यात्री हमें मिल जाते हैं, लेकिन ये सबका अपना, सबकी अपनी निजी पसंदगी है। कोई इस तरह से रहता है कि नहीं मुझे संग चाहिए, अकेला नहीं, मुझे तो जब बातें करने की इच्छा हो तो किसी से मैं बात भी कर सकूं, लड़ाई करने की इच्छा हो तो लड़ाई भी कर लो, प्रेम करने की इच्छा हो प्रेम भी कर लो, ये संग में हो सकता है, तो कोई संग में रहता है। और इस तरह से भी किया जा सकता है कि जब तुम संग से उब जाओ कि अब संग बहुत हो गया, अकेले में चले जाओ, ये भी हो सकता है कि तुम अकेले में चले जाओ। जब तुम अकेले में उबो, ये मन है, सब मन की माया जाल, तुम अकेले में उबो, उब मतलब मन, अभी शुद्धि करनी है, इसका इतना अर्थ है, शरीर को अभी और शुद्ध करना है, अभी और पारस की तरफ, पार्श्वनाथ की तरफ शरीर को पूरा शुद्ध कर लेना है, जरा भी मल न बचे अंदर, ऐसी तरंगे भीतर पैदा ही न हो, जो हैरान करने वाली तरंग है वो पैदा ही न हो, इतना शुद्ध शरीर होना चाहिए, इतना शुद्ध जीवन, इसी की तो आराधना है, ये तो साधना है। पूरी शुद्धि मतलब पराशक्ति, पूरी शुद्धि मतलब आद्य शक्ति, उसमें जो शक्ति बहेगी वो परमात्मा की शक्ति बहेगी, हम इतने शुद्ध हो गए भीतर से। लेकिन जब तक हम शुद्ध नहीं है तब तक ये तरंगों को जानना है कि, और पर दोष नहीं डालना है, उसका उपयोग करना है। कि मुझे अगर एक व्यक्ति से ईर्ष्या हो रही है तो उसका अर्थ है कि मेरे भीतर से प्रतिस्पर्धा चल रही है, कहीं कॉम्पिटिशन है, मन मन मतलब कॉम्पिटिशन। मैं भी गाता हूं, कोई और भी गाता है और सब कहता है ये बहुत अच्छा गाता है, और कोई मेरा नाम नहीं लेता तो तुरंत मेरे अहंकार को धक्का लगता है कि मेरा नाम नहीं रहे, मैं गुरु हूं और गाता हूं तो भी वो ये लोग ये कह रहा है कि इसका शिष्य अच्छा गाता है, ये नहीं गाता है अच्छा। तो अगर मेरे भीतर अहंकार होगा तो चोट आएगी, ये मुझे देखना है। तुम भी देख सकते हो अगर तुमने अपने अहंकार को जान लिया कि किस तरह से अहंकार काम करता है, तो जब किसी की और की प्रशंसा करो तब उसका चेहरा देखो कि उसके चेहरे पर कोई रंग बदलता है कि नहीं,
तुरंत रंग बदल जाएगा घर भीतर से, इससे आएगी तुम्हारी आंख का डोरा बदल जाएगा, तुरंत देख लोगे तुम कि हाँ उसे क्या मिला किस तरह। और जिस व्यक्ति के साथ हमारी प्रतिस्पर्धा चलती है उसे सामने ही रखना है, मैं ऐसा कहता हूं। मेरे जीवन में जो मैंने काम किया वही मैं तुम्हें बताता हूं, उसे सामने ही रखना है और अपने पर काम करते जाना है कि कितनी शुद्धि प्राप्त हुई। वो हमारे सामने बैठा है जिसके लिए एक समय प्रतिस्पर्धा थी, उसके ऊपर चीड़ थी, नफरत थी, तुम देखो बराबर तुम शुद्धि पर काम करोगे, एक क्षण पहले उस पर क्रोध भी आ सकता है। तुमने ठीक से अपने को जानना शुरू किया कि तुम्हारे भीतर से क्रोध जगा, उसके भीतर उसके लिए तुम्हारे भीतर तिरस्कार जगा, उस तरंग के लिए तुम समझने के लिए तुमने तुम्हारे भीतर अंतर बनाना शुरू किया कि नहीं मैं देखूं किस तरह से ईर्ष्या काम कर रही है भीतर, ये रहती नहीं। ये तब रहती है जब हमारी पुष्टि मिलती है उसे, हमने अगर उसे ईंधन दिया तो वो बचेगी, तो वो और शक्तिशाली होगी, और शक्तिशाली होगी, और वो हमारे सामने आ जाएगी, फिर वो हैरान करेगी। अगर हमने उसे देखना शुरू किया वो नहीं टिकेगी, तुम्हारे भीतर ईर्ष्या की तरंग उठी, तुमने उससे अंतर बनाया, तुम तो ईर्ष्या की तरंग को पुष्टि नहीं मिलेगी। जो पुष्टि मिलेगी वो देखने वाली आंख को मिलेगी तुम्हारे भीतर, जिसका संबंध है पराशक्ति से, आद्य शक्ति के साथ इसका संबंध है इस आंख का, तो उसके आगे ईर्ष्या नहीं रह सकती। अगर तुम्हारे भीतर ईर्ष्या रहती है, क्रोध रहती है, क्रोध की तरंग रहती है, तो उसका इतना ही कारण है कि तुमने पराशक्ति के साथ संबंध नहीं बनाया। देखने वाली आंख है तुम्हारे भीतर, उसके साथ अभी तुम्हारा संबंध नहीं बना, तो वो जीत जाती है, वृत्ति तुम्हारे साथ, वृत्ति हावी हो जाती है हमारे ऊपर। लेकिन जब हमारा संबंध आद्य शक्ति से बनता है, देखने वाली जो आंख है हमारे भीतर, तटस्थ देखने वाली आंख, उसको जब पुष्टि मिलती है, देखने की क्षमता जैसे बढ़ाते हो तुम्हारे भीतर, वृत्ति तुम्हारे ऊपर काम नहीं कर सकती। जो वृत्ति की शक्ति है वो दर्शन की शक्ति को मिल जाती है। बाहर से अगर कोई गाली भी दे और तुम्हारे भीतर दर्शन की क्षमता है, तो उसकी गाली की शक्ति दर्शन की शक्ति की ओर जाएगी, और वो इतना रचनात्मक काम करेगी कि तुम्हें तो वो दृष्टा बना ही देगी, वो सामने वाले को भी पिगाड़ देगी, सामने वाले को भी बदल देगी, क्योंकि उसका क्रोध तुमने पूरा पी लिया और उसको तुमने अपने भीतर दर्शन में बदल दिया, दर्शन की क्षमता में बदल गया उसका क्रोध, उसकी शक्ति। तुम करो ये काम कि ये बात सच है कि नहीं, कि जहां जहां पर तुम्हें ऐसी प्रतिस्पर्धा है, जहां पर तुम्हें ईर्ष्या है, जहां पर तुम्हें क्रोध है, जहां पर कंटाड़ा है और व्यक्ति अच्छी नहीं लगती, उस अपने ऊपर अपनी शुद्धि बराबर करते जाओ, बराबर करते जाओ। ये सब अपने भीतर की अशुद्धि, ये तरंगे हमारे भीतर है जो अभी साफ नहीं हुई। जो जीवन हमने जिया उसमें अभी तक हमने इतनी शुद्धि को प्राप्त नहीं किया, इसलिए अभी तक ईर्ष्या है। अगर मेरे भीतर अभी ईर्ष्या है तो उसका इतना ही कारण है कि आज तक जो जीवन में जिया उसमें मैंने ईर्ष्या को पूरा साफ नहीं किया है। और अगर मैंने ईर्ष्या को पूरा साफ कर लिया तो उसके साथ कामवासना भी पूरी साफ होगी, उसके साथ चिंता भी पूरी साफ होगी, उसके साथ भय भी पूरा साफ हो गया। ये सब के भीतर यात्रा के अनुसार होता है कि तुम्हारे भीतर तुम्हें जानना है ठीक से कि कौन सी वृत्ति है। सबके भीतर अलग अलग स्वरूप हो सकते हैं उसके, कि किसी को चिंता ज्यादा, चिंता रूप में कुछ हैरान कर रहा है, किसी को भय के रूप में कुछ हैरान कर रहा है, किसी को काम वासना के रूप में कुछ हैरान कर रहा है एक ही राक्षस लेकिन उसके रूप अनेक है। राक्षसों के अगर तुम देखो कहीं चेहरे, उसे 10 मुख दिया गया हो उसका, और कोई का कोई 10 मुख वाला राक्षस होता नहीं। ये खाली शक्ति बताने का ढंग है कि इतना शक्तिशाली वृत्ति है। देखो तुम वृत्ति जब तुम्हारे भीतर काम करती है, किस तरह से काम करती है वृत्ति, पता भी नहीं चलता। जब तक वृत्ति इस तरह से काम करती, एक सूक्ष्म वृत्ति जो तुम्हें दिखती भी नहीं कहीं, आज तक ऐसी कोई लेबोरेटरी नहीं कि उस तुम जाओ और चेक करवाओ कि भीतर कितनी ईर्ष्या है, अभी तक ऐसी लेबोरेटरी नहीं है पृथ्वी पर कि तुम्हारे भीतर कितनी ईर्ष्या उठी उसकी तरंगे। ग्राफ लिया जा सकता है कि कितनी अशांति है तुम्हारे भीतर, तरंगों की अशांति कितनी है उसका ग्राफ लिया जा सकता है।
लेकिन ये वृत्ति किस तरह की है इस पर अभी काम करना है, इस पर काम करना है कि वृत्ति की तरंग किस तरह से काम कर, वो भी हो सकता है अगर ठीक से इसका विज्ञान विकसित हुआ और दोनों विज्ञानों का संबंध बना, बाहर का जो विज्ञान है और भीतर का विज्ञान है, आत्मिक विज्ञान है और बाहर का विज्ञान, वो अगर जुड़ गए, जुड़ जा सकते, तो ऐसे ग्राफ लिए जा सकते कि तुम चेक करवाओ अपनी वृत्ति, तो पता चल सकता है कि अभी मेरे भीतर काम वासना चल रही है, या भी मेरे भीतर ईर्ष्या चल रही है, या भी मेरे भीतर क्रोध की तरंग चल रही है, ये हो सकता है। लेकिन ये सबको अपना जानना है और बराबर समझना है। ये इतना ही दिखाता है कि अभी राक्षस भीतर जिंदा है। कालिका की जो मूर्ति का संदेश है कि राक्षस की एक, उसके गर्दन को काटे हुए शरीर की जो एक बूंद है वो अगर पृथ्वी पर गिरी तो दूसरा राक्षस पैदा हो जाएगा। इसका अर्थ गठन ये है कि तुमने अगर तुम्हारी वृत्ति को थोड़ा सा भी छोड़ा, थोड़ा सा भी तुमने उसे स्वतंत्रता दी, वो बढ़ जाएगी। इसका क्या अर्थ गठन है, मैं जो बोला उसको किस तरह से गहराई में समझना है, प्रायोगिक रूप में लेना है, जीवन में प्रयोग के रूप में लेना है, खाली सैद्धांतिक रूप में नहीं, थियरी के रूप में नहीं, हमें कहां पर यह काम आ सकता है। आज अगर किसी के लिए मुझे, मेरे भीतर क्रोध जगा, मुझे वो देखना ही है, जिस आराधना में आगे बढ़ना है, जिससे सच में आराधना करी करनी है, समझनी है, उसे शुद्धि पर तो ध्यान देने ही देना ही पड़ेगा, और कोई चारा नहीं कि पूरा शुद्ध करना है अपने को, पूरा शुद्ध। और जो साधना क्षेत्र में रहते हैं, जहां तुम स्पष्ट हो गए कि ना बस अब मुझे साधना, मुझे मुक्ति ही मेरी दिशा है, मुझे मुक्ति को जानना ही है, तुम बराबर स्पष्ट करो अपने भीतर, स्पष्टता मुक्ति का द्वार है। पहले तो स्पष्ट करो कि तुम कितने तैयार हो अपने को शुद्ध करने के लिए, तुम कितने तैयार हो। मुक्ति का अर्थ है पूर्ण शुद्धि, शारीरिक तल में भी पूर्ण शुद्धि चाहिए तुम्हारे भीतर। तो समझो कि अगर मेरे भीतर अभी एक तरंग उठती है जिसमें मैं अर्थघटन हो सकता है भीतर की, ये क्रोध की तरंग है, और मैं उसे छोड़ देता हूं, समझने का छोड़ देता हूं, मैं चूक गया, क्रोध की तरंग पुष्टता ले लेगी। अगर मैंने उसे ठीक से नहीं देखा तो क्रोध की तरंग मेरे भीतर बनी रहेगी। व्यक्ति कोई भी हो, ये गौण बात है कि मैंने आज एक व्यक्ति पर क्रोध किया, कल दूसरी व्यक्ति पर क्रोध किया, एक गौण बात है। देखना मुझे इतना ही है कि मेरे भीतर क्रोध है कि नहीं है। एक अशुद्धि है तो सब अशुद्धि है, ऐसा समझो कि एक अशुद्धि अगर मैंने मेरे भीतर पाई, मैंने मेरे भीतर पाया कि लोभ है तो काम वासना है, मैंने मेरे भीतर पाया कि क्रोध है तो लोभ भी है। तुम देखो कि यह बात सच है कि नहीं। तुम्हारा ध्यान नहीं गया, तुमने राक्षस को अभी पूरा नहीं देखा, ये अनेक मुख वाला राक्षस, क्योंकि अनेक मुख होते हैं तो वो तो सर्व दिशा में हो सकते हैं, ऐसा थोड़ा है कि खाली फ्रंट में ही होते हैं ऐसे 10 मुख, ऊपर भी हो सकता है, राक्षस है उसका चेहरा कहां हो पता नहीं हो सकता। तो वृत्तियों को इस तरह से समझना है, ये अलग नहीं है, क्रोध अलग नहीं है, ऊब अलग नहीं है, चिंता अलग नहीं है, भय अलग नहीं, ये सारे चेहरे हैं, एक ही राक्षस के सारे चेहरे हैं। किस रूप में कौन सा चेहरा तुम्हारे सामने आया और उस पर अगर तुमने बराबर काम किया, जितना तुमने क्रोध पार किया उतनी तुमने काम वासना भी पार की, जितना तुमने क्रोध को पार किया तो उतना तुमने लोभ भी पार किया, जितना तुमने क्रोध पार किया तो उतना तुमने भय भी पार किया, जितना तुमने क्रोध पार किया तो उतनी तुमने हताशा निराशा ही प्राप्त पार की, जितना क्रोध उतनी हताशा निराशा, उतना लोभ उतनी चिंता उतना भय, मतलब राक्षस मौजूद। और जब तक ये वो पूरा न मिट जाए, पूरा जो पात्र में लव ग्रहण करने की जो बात है कि काली का प्राप्त राक्षस का जो काटा हुआ चेहरा है उसमें से जो बूंद गिर रहा है, ये चित्रात्मक भाषा है, कटोरे में झेल लेती है, उसे नीचे नहीं गिरने देती, नीचे नहीं गिरने देने का क्षेत्र जो है वो हमारे भीतर है, वो हमारे भीतर, वो कई बार धरती की बात नहीं है। तुमने जहां पर तुम्हारी वृत्ति को समझना छोड़ दिया, वृत्ति को पुष्टता मिलनी शुरू हो जाएगी,
इसलिए रात्रि साधना को महत्व है, नवरात्रि अनूठा संदेश। रात्रि जो साधना है वो खाली स्वप्नों में खोने के लिए या निद्रा में खोने के लिए नहीं है। जो साधना समझना चाहता है, जो साधना सच में साधना को समझना चाहता है, करना चाहता है, साधना का विज्ञान मैं स्पष्ट करता हूं कि जो रात्रि का समय शरीर को जरूर विश्राम होना जरूरी है। अगर शरीर ठीक से विश्रामित न हुआ तो भी शरीर की तरंग डल हो जाएगी, तुम्हारा शरीर की जो तेजस्वी शक्ति है तुम्हारे भीतर, चुस्ती स्फूर्ति की शक्ति है, वो भी अगर डल हुई तो जितनी नकारात्मक तरंग है वो जागेगी तुम्हारे भीतर। तो निद्रा तो जरूरी है शरीर के लिए, जितनी निद्रा जरूरी है वो जरूरी है। मैं हमेशा तुम्हें याद करवाता रहूंगा कि रात्रि जागरण और उजागरा उसमें फर्क है। रात्रि जागरण का अर्थ है जागृति को पुष्टता देना कि भीतर जो देखने वाली आंख है उसकी शक्ति है कि जिसका संबंध पराशक्ति से, सत्य की शक्ति के साथ जिसका संबंध है, आत्मा की शक्ति, परमात्मा की शक्ति, भगवत्ता है जो भीतर का प्रकाश है, उसको पुष्टता देना है। क्योंकि जब तुम्हारा शरीर नहीं रहेगा तब फिर तुम साधना नहीं कर सकते। जब तक तुम्हारा शरीर इस पृथ्वी पर हाजिर है तुम अगर साधना करनी भी है, और साधना है ही किस लिए कि जो शरीर स्वरूपी आकार है, आत्मिक शक्ति शरीर में बंधी हुई है उसको पूरा मुक्त करना है। किस तरह से मुक्त किया जाता है, जा सकता है तो शरीर की शुद्धि, कि शरीर को जितना तुम ऑक्सीजनेटेड करो तुम्हारी क्षमता, लोभ नहीं, लोभ वहां भी काम करेगा, लोभ इस तरह से काम करेगा कि मैं आज ही इतना शुद्ध कर लूं कि शरीर को बस आज ही पराशक्ति में स्वयं हो जाऊं। तुम पागल हो सकते हो, तुम पराशक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि मन के साथ का खेल है। कभी भी उतावल मत करना, मन इस तरह से काम करेगा वृत्ति, इसलिए तो इसे राक्षस के रूप में लिया गया कि तुम्हें पता नहीं बाहर के दुश्मन किस तरह से काम करते, छुप छुप के आते हैं। हमला करना है अगर किसी एक दुश्मन को दूसरे के साथ, दूसरे के ऊपर हमला करना है तो किस तरह से वो आता है कि पता भी नहीं चलता कि वो कब आ गया, हमारे घर में दाखिल हो गया, उसने हमारे पर हमला किया। ये हमला तो कुछ भी नहीं, जो हमारे भीतर से हमला होता है हमारे पर, उसके आगे कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ये हमला कुछ है ही नहीं। बाहर से जो हमला किया जा सके वो कुछ भी नहीं। कोई ऐसा है जो हमें भीतर से सता रहा है, जिस तरह से हम ऐसा कहते हैं कि हमारे भीतर परमात्मा है लेकिन उसके साथ राक्षस भी है। राक्षस इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्योंकि हम उस शब्द से परिचित है कि हमें जो हैरान करने वाला है वो राक्षस, सच में हमें हमारी रक्षा करने वाला राक्षस है, लेकिन जो हमें हैरान करता है उसे हम राक्षस के रूप में लेते हैं। तो अगर हम कहें कि हमारे भीतर परमात्मा है, जरूर है, परमात्मा है, देखने वाली आंख परमात्मा की आंख, लेकिन उसके साथ साथ हमारी नासमझी के कारण, और वो भी जीवन अद्भुत, जीवन के अद्भुत परिणाम है कि तब तो इतना महत्व है परम मुक्ति को। अगर कोई व्यक्ति प्राप्त होता है, जब कोई भगवत्ता प्राप्त करता है तो पूरी प्रकृति धन्यता से भर जाती है, पूरी प्रकृति, क्योंकि ये प्रकृति में घटी ये बात, प्रकृति स्वयं है वो व्यक्ति। तो जब उसमें से भगवत्ता प्राप्त होती है तो उसका असर पूरी प्रकृति पर आता है, प्रकृति धन्यता अनुभवती है कि वाह मेरे भीतर से कुछ ऐसा प्रकट हुआ कि पूर्ण प्रकाश इसने प्राप्त किया, जीवन का पूरा प्रकाश, जीवन पूर्ण प्रकट हो गया इसके भीतर से। ये महत्वपूर्ण तब है जब वृत्ति पर विजय पाना, जब तुम वृत्ति पर काम करोगे तब पता चलता है कि वृत्ति किस तरह से काम करती है, किस तरह। तुमने थोड़ा भी वृत्ति को समझने में अगर तुम थोड़ा चूके, वृत्ति काम ले लेती है तुम्हारे पास, वो रह जाती है, क्योंकि उसका अपना एक अलग अस्तित्व है, वो अपना अस्तित्व टिकाने का प्रयत्न करती है वृत्ति, अपने आप ऑटोमेटिक मैकेनिज्म उसका, कि अगर तुमने उसे ठीक से समझने का छोड़ दिया वो रह जाएगी। और वृत्ति है उसका संबंध, मन है उसका संबंध है निद्रा के साथ।
कि कितनी रही तुम्हारी निद्रा अब जीवन में, कितना घंटा सोना तुम्हें स्फूर्ति ला देता है शरीर में, ये देखना है। सबको देखना है, अपना देखना है कि मुझे इतनी निद्रा चाहिए, मुझे 6 घंटे, इतना मैं काम करता हूं तो मुझे 6 घंटे का आराम चाहिए, 4 घंटे का आराम चाहिए। लेकिन आराम का अर्थ है स्फूर्ति को प्राप्त कर लेना, कि तुम स्फूर्ति, चुस्ती स्फूर्ति प्राप्त करते हो शरीर के कि नहीं। क्योंकि ये इस तरह की साधना नहीं है कि तुम उजागरा करते जाओ, उजागरा करते जाओ और फिर तुम पागल हो जाओ। क्योंकि अगर शरीर को पूरा आराम न मिला तो मन विसर्जित नहीं होगा, मन का संबंध है। मन तुम्हारे भीतर ठहरता है या विसर्जित हो जाता है, इसको इस तरह से लेना है कि अगर तुम्हारा शरीर, इस तरह से समझो, अगर तुम जब जागते हो तुम्हारा शरीर पूरा स्फूर्ति प्राप्त करता है, जब जब शरीर पूरी स्फूर्ति में आता है, चुस्ती में आता है, उसी समय मन विलीन होता है, मन की शक्ति स्फूर्ति में आ जाती है, चुस्ती में आ जाती है। और जैसे जहां तुम डल होते हो तुम्हारी चुस्ती स्फूर्ति चली जाती है, शरीर की चुस्ती स्फूर्ति चली जाती है, उसके साथ मन की तरंग भी डल हो जाती है, मन बनना शुरू हो जाता है तुम्हारे भीतर। अगर तुम निद्रा ठीक नहीं करोगे और शरीर अगर विश्राम में से पसार नहीं होगा, ठीक से विश्राम में से पसार नहीं होगा, तो दूसरे दिन, दूसरा दिन तुम्हारे लिए बोझिल हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा तुम्हें जीना, भारे भरखम लगेगा दिन, भारे भरखम लगेगा। यह इसकी निशानी है कि रात्रि की निद्रा तुमने गहराई से प्राप्त न की। इस पर काम करना है। जो पूरी नवरात्रि है यह तो खाली प्रारंभ है, नवरात्रि तो पूरी भी होगी, रावण का वध भी हो गया, दशहरा हो गई, आज 11वां दिन है, 11वां दिन मैं अभी भी बोल रहा हूं नवरात्रि के ऊपर। उसका कारण यह है कि नवरात्रि कोई अंत नहीं है, ये तो अंत इसके लिए है कि जो अभी संसार में मूर्छामय जीवन जीते हैं, मूर्छा में, उसके लिए खाली त्योहार गोल गोल घूमते, फिर अगले साल नवरात्रि आएगी, रास गरबा हो जाएगा 9 दिन, फिर माता जी कहां चलेगी पता भी नहीं, फिर अगले साल जब आएंगे नवरात्रि तब उतारते हैं कि आ गरबा किए है, अब अंबा माँ को खुश करो, कहीं खुश न किया और फिर आगे का जीवन है, अंबा माँ अगर त्रिशूल उठाएगी शेर पर बैठकर आ गई मर जाएंगे, ये इस तरह की साधना नहीं है। ये जीवन की पूर्ण समझ देने वाली, ये तो खाली प्रारंभ है नवरात्रि का जो समूह, आगे भी मैं बात कर रहा हूं कि किस तरह से, क्या संदेश है, किस तरह से संदेश दिया गया, किस तरह से काम करना है रात्रि के जागरण पर, किस तरह से काम करना है। लेकिन ये रोज समझना है कि जब तुम रात्रि में सोने को जाओ, रात्रि को सोने में तुम प्रविष्ट हो, उससे पहले पूरा दिन एक बार देख लेना है कि आज का दिन कैसा रहा, कितने शत्रु रहे, किसके साथ ईर्ष्या हुई, किसके लिए काम वासना की वृत्ति जगी, ये सब कुछ अलग अलग नहीं, भीतर कौन सी ऐसी दुष्ट वृत्ति जगी कि चलो मैं चोरी करूं, मैं ये करूं, ये जो सारा मन है जिस जो खेला पूरे दिन खेला, उसे बराबर देख लेना है। और जब दूसरा दिन का प्रभात आए, सूर्य की किरणें बाहर आए, संसार जागे और तुम संसार के बीच प्रविष्ट करो, उससे पहले साधना जरूरी, तुम्हारा अंतर्दर्शन जरूरी, फिर तुम उसे भक्ति कहो, तुम उसे प्रार्थना कहो, तुम प्रेयर कहो, बंदगी कहो, ये भी शुद्धि है, शुद्धि की प्रक्रिया है, या तुम उसे ध्यान कहो, लेकिन ये जरूरी, अंतर्दर्शन जरूरी। जब तुम समूह के बीच में आओ उससे पहले तुम्हारा अंतर्दर्शन जरूरी। तो जब दूसरी रात्रि में या दूसरे ध्यान की प्रक्रिया में तुम जाओ, या प्रार्थना की प्रक्रिया में जाओ, या बंदगी प्रेयर की प्रक्रिया में तुम जाओ, तो तुम्हें पता चले कि कितनी तरंगे मेरी है, दुष्ट तरंगे मेरी अपनी है, और कितनी दुष्ट तरंग में बाहर से लाया, क्योंकि बाहर की वृत्तियां भी काम करती है। जब हम और लोगों के साथ काम करते हैं, तुम देखोगे कि जिस तरह का सामने की व्यक्ति होगी उस तरह से तुम्हें काम लेना होगा। सामने वाली जो व्यक्ति है जिसके साथ तुम काम कर रहे हो, उसके साथ तुम्हें पहले ट्यूनिंग करने की कोशिश करनी पड़ेगी, और जैसे तुम ट्यूनिंग करने की कोशिश करोगे दोनों की आत्मिक क्षेत्र तुम्हें एक बनाना पड़ेगा, नहीं तो तुम काम नहीं कर पाओगे ठीक से, क्योंकि तुम्हें देखना पड़ेगा कि उसका जो लेवल है वो मुझसे भी नीचे है या मुझसे ऊपर है।
अगर मुझसे ऊपर है तो मुझे ऊपर जाना पड़ेगा, ऊपर जाने की कोशिश करनी पड़ेगी, और उसका लेवल अगर नीचे है तो मुझे उसकी लेवल पर आके मुझे उसके साथ बातचीत करनी पड़ेगी, उसके पास से काम करवाना पड़ेगा, या जो हमें साथ में काम करना है तो साथ में काम करना पड़ेगा। तो जब हम ये प्रक्रिया करेंगे तो उसकी भी बहुत सी तरंगे हमारे पर हावी हो जाएगी, असर करेगी, लेकिन उससे भागना भी नहीं है और बचना भी नहीं है, यह भी एक प्रक्रिया है। और इसमें तुम ज्यादा शक्तिशाली हो सकते हो, भीतर से तुम्हारी ताकत बढ़ती जाएगी, समझ की भी दर्शन की भी, कि तुम अपना बराबर शुद्ध करो, रात्रि का जो समय विश्राम भी बराबर लो। और अगर रात्रि का विश्राम नहीं हो रहा है, डरना नहीं है, वो आज नहीं कल आ जाएगी, वो कल तुम सीख जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि अभी तक ध्यान ही न था, इन बातों पर कोई ध्यान न था कि किस तरह से हमें साधना करनी है, किस तरह से साधना का विज्ञान काम करता है, किस तरह से जीवन के महास्वाद को लेना था। और जहां जहां हमने भूल की तो निद्रा चली गई। उसका कारण है कि हमारा जीने का ढंग ठीक नहीं था, तो भूख भी नहीं लगती है, कई बार बैठे बैठे काम ही करते रहते हैं, काम तो पैसा बढ़ जाता है लेकिन भूख लगती ही नहीं, तो रोटी जो खरीदनी थी उसमें पैसा जाना चाहिए, वो दवाइयों में चला जाता है, पैसा जाना चाहिए, रोटी फल सब्जी खरीदने में जाना चाहिए, उसके बदले वो चला जाता है दवाइयां खरीदने में, डॉक्टरों की फीस चुकाने में चला जाता है। ये हमारी ना समझिए जीवन जीने की, कि हम ठीक से नहीं समझ रहे किस तरह से जीवन की शक्ति के साथ काम करना है, किस तरह से बेहतरीन जीवन प्राप्त करना है, जो धर्म का दृष्टिकोण है, धर्म शास्त्रों का दृष्टिकोण है, या जो कोई धार्मिक पर्व है जैसे कि नवरात्रि, तो उसका उद्देश्य है। तो दर्शन की जो क्षमता है हमारे भीतर, कालिका का रूप हमें संदेश देता है, जब तुम कालिका की मूर्ति देखो तुम संदेश को याद करो कि क्या संदेश है कालिका की मूर्ति का, कालिका की मूर्ति का संदेश है तुम अपने भीतर प्रविष्ट करो, प्रविष्ट हो, तुम तुम्हारे क्षेत्र में प्रवेश करो, चाहे कितना ही अंधेरा हो, ये कालिका की शक्ति है कि तुम उसमें प्रविष्ट हो जाओ और वृत्ति के जो राक्षस है उसे पूरा मिटाओ, पूरा उसकी गर्दन काटो, और जो मालाएं पहनी है जितने भी राक्षस दिखाए गए, ये सारे राक्षसों के नाम ये भय चिंता क्रोध कंटाड़ा, जो हमें हैरान करने वाले जो 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 कुछ भी अंदर है उसका उसने गर्दन काट दिया और उसने माला पहन ली, और उसकी जीभ बार, क्या संदेश, बार जीभ, उसकी लाल जीभ, छारी वाली जीभ नहीं है, ये बताती है पेट की शुद्धि, समझो तुम्हारा पेट जितना शुद्ध, मैं दर्जी की ओर आंख नहीं करता, तुम्हारा पेट जितना शुद्ध तुम्हारा मूड उतना प्रसन्न, और अगर तुम्हारा मूड प्रसन्न है तो भीतर का एक भी राक्षस तुम्हारे आगे जीत नहीं सकता, ये सारा संबंध तुम्हारे पेट के साथ है, कि पेट तुम्हारा जितना स्वस्थ शुद्ध उतना तुम्हारे भीतर वात पित्त कफ का जो प्रमाण है वो ठीक से होगा, और इसके कारण तुम्हारा मूड भी प्रसन्न रहेगा। कालिका की जो लाल जीभ है, बार निकाली हुई बार लाल जीभ है, उसका ये संबंध है पेट के साथ, उसमें दो प्रक्रिया है, एक दर्शाती है कालिका श्वसन, पेट को शुद्ध करने की एक प्रक्रिया है, सुबह में करनी है या शाम को भी, अगर तुमने कुछ और कोई एक्सरसाइज नहीं किया, रास गरबा खेला है, नृत्य किया है, कुछ एक्सरसाइज की है, तो अपने आप हो जाती है शुद्धि, पेट की शुद्धि हो जाती है, भूख भी लगती है, जो मग रोटी अच्छे नहीं लगते थे ये निशानी है कि तुम्हें कितनी सच्ची भूख लगती है, सच्ची भूख लगेगी तो करेला का साग तुम खा जाओगे, ऐसे नहीं कि करेला की सब्जी नहीं भा रही है, मग नहीं भा रहा है, मग नहीं भा रहा है तो उसका अर्थ है कि अभी पेट गड़बड़ है भीतर से। तो कालिका की मूर्ति दो प्रक्रिया दिखाती है, एक है कालिका श्वसन जिसमें जीभ को बाहर निकालो सुबह में, और मैं इतना कहता हूं एक बार श्वसन मुंह से करो, तुम एक क्षमता के अनुसार जीभ को बाहर निकालो, पूरी आंख को पूरी खोलो, क्यों आंख को खोली हुई बताइए, किसी को डराना है क्या कालिका को, वो तो मां है,
माता तो सबसे प्रेम करती है, प्रेममय होती है, वही मां जो जीवन को पुष्टता देती है, पोषण देने वाली शक्ति है, उसे मां कहा जाता है। किसी किसको डराने में उसे हाँ मजा आता है, कभी मजाक मस्करी होती है बच्चे के साथ मां की, लेकिन इसका संदेश यह है तुम आंखों को पूरा खोलो, विचार नहीं बनेगा। देखो सुबह में तुम ये प्रक्रिया करना कि जब सूर्य बाहर आ रहा है या उससे भी पहले की जा सकती है प्रक्रिया, प्रक्रिया समझनी है। कालिका की मूर्ति से जो संदेश है वो है कालिका श्वसन, कि जीभ को पूरा बाहर निकालो, पूरा शरीर को थोड़ा आगे झुकाओ, आंख को पूरा खोलो, आंख को पूरा, ताकि जो भीतर स्वप्न चले हैं, स्वप्न वाला जो रुधिर चल रहा है आंख के अंदर, स्वप्न वाला रुधिर है सुबह में, वो स्वप्न वाले रुधिर को शुद्ध करो, पूरा शुद्ध, और जीभ को पूरा बाहर निकालो, मुंह से श्वसन करो। जब ये श्वसन एक क्षमता के अनुसार, जब तुम्हें लगे नहीं अब नहीं हो रहा है, तब जीभ को अंदर ले लो, शांत हो जाओ, थूक भीतर निकालो, गले से भीतर निकालो, और ये प्रक्रिया पूरे शरीर को शुद्ध करती है, पूरे शरीर को शुद्ध करती है। ये प्रक्रिया 3 बार करनी है क्षमता के अनुसार, पहली बार की, फिर तुम थक गए जीभ को अंदर रखो, शांत करो अपना शरीर, विश्राम में ले जाओ, फिर दूसरी बार करो, फिर विश्राम में आओ, फिर तीसरी बार करो, शरीर शुद्ध हो जाता है, एक कालिका श्वसन। इसी तरह से कालिका रेचन, जीभ को बाहर निकालो, आंख पूरी खोलो सुबह में, और हो सके तो ये जो प्रक्रिया है वो प्रकृति में करो, रूम में नहीं, और सूर्य के प्रकाश में, जहां सूर्य प्रकट होता है उस समय ये प्रक्रिया करो। इसमें जीभ को पूरी बार निकालो, जिससे जिस तरह से कालिका की मूर्ति में जीभ बाहर निकाली हुई, इस तरह से जीभ को बाहर निकालो और आवाज करो, जब तक तुम्हारे भीतर से आवाज आए उसे पूरी बार फेंको, अपने भीतर से जब तक आवाज आए उसे पूरी बार फेंक दो। तो ये आवाज जब निकल जाएगी, 3 बार ये प्रक्रिया करनी है सुबह में, कालिका श्वसन भी 3 बार, कालिका रेचन भी 3 बार। जब तुम ये आवाज निकालते हो तो ये आवाज क्या करेगी तुम्हारे भीतर, इसका क्या संबंध है भीतर को जो राक्षस बैठे हैं, जो हमें सता रहे हैं, जो घूम रहे हैं हमारे भीतर, हमारा जो भीतर का साम्राज्य है, दिव्य साम्राज्य, उसमें राक्षस घूम रहे हैं, जो हमें हैरान करते, ये इसकी निशानी है कि अगर हम हैरान हो रहे हैं तो भीतर राक्षस घूम रहे हैं। तो मैं तुम्हें कहता हूं जागो, तुम सम्राट हो, तुम्हारे प्रदेश में राक्षस आया कहां से गए, और किस तरह से इन राक्षसों के साथ काम लेना है, कालिका क्या कहती है अगली दिव्यवाणी। हर एक मनुष्य जीवन जीने की समझ को प्राप्त करे और जीवन का महास्वाद ले सके, इस भावना के साथ, इस प्रार्थना के साथ, मुझसे जो बोला, आपसे जिसे सुना, उस परम दृष्टा स्वरूप, परम साक्षी स्वरूप परमात्मा के चरणों में मैं मेरा वंदन अर्पण करता हूं, मेरा वंदन स्वीकार करे, अस्तु। तेरा काम